लिखना है आपको। हाँ हाँ ओपन बुक। बोल दो सर, ओपन बुक का क्या फायदा है? कहाँ तक हुआ था ये बताइए। कमिटीज हो गई थी हमारी, बजट हो गया, कमिटी हो गई, क्या क्या हो गया सिलेबस में एक बार देख ले, क्या क्या हो गया हमारा, उसी के हिसाब से फिर चलते हैं। क्या रह गया इसमें बताइए, क्या क्या हो गया? नाइन थिंग्स पढ़े थे हमने, नाइन थिंग्स में से कितने कर लिए हमने? जुडिशियरी रह गया, साइलेंट फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट रह गया, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रह गई, क्वासी जुडिशियल बॉडी रह गई, तीन चीजें रह गई और एक और रह गया। एक और रह गया क्या? नाइन्थ वाला तो वही बता रहा हूँ, क्वासी स्टैट्यूटरी एंड क्वासी जुडिशियल बॉडीज, ये रह गया हमारा। इससे ऊपर का ऑलमोस्ट सारा हो गया, तो ये अगले तीन से चार दिन में हो जाएगा। जुडिशियरी करेंगे पहले, उसके अलावा एक चीज रही है छोटी सी, इमरजेंसी। ठीक है, इमरजेंसी नहीं है, बाकी सारा हो गया हमारा। ऊपर का देख लीजिए एक बार, अगर कुछ रहता है तो। सेपरेशन ऑफ पावर इन वेरियस ऑर्गन्स, डिस्प्यूट, सेंटर स्टेट रिलेशन। सेंटर स्टेट रिलेशन आज मैंने क्वेश्चन भी दिया है, इसी स्लाइड में देखेंगे। ब्रिज बालाजी कुछ रहा है तो बता दीजिए आप भी, कुछ आपको लग रहा हो कि सर ये रहा है। मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे दिख रहा है, वो तो मैंने बता दिया है, फिर भी आप एक बार बता दीजिए। ये कर ये हो गया था, ये भी हो गया था, एंटी डिफेक्शन हो गया था, एंटी डिफेक्शन कर लिया था हमने। एंटी डिफेक्शन के बाद आगे आ जाइए, पार्लियामेंट्री कमेटी हो गई, राज्यसभा वैसे कर ही लिया था हमने। सेंटर स्टेट रिलेशन पे आ जाएगा। देखिए सेंटर स्टेट रिलेशन की बात करते हैं, तो सेंटर स्टेट रिलेशन में लेजिस्लेचर, इमरजेंसी आता है, ठीक है, स्पेशल स्टेटस आता है बहुत सारे स्टेट का, उनकी भी बात करेंगे, शेड्यूल एरिया आता है, फेडरलिज्म की बात होती है इसके अंदर। अब आ जाइए सेंटर स्टेट रिलेशन में। सेंटर स्टेट रिलेशन में एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एग्जीक्यूटिव जो पावर होती है वो सेंटर के पास ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू, हम बात करें स्टेट की, ठीक है। लेजिस्लेटिव पावर क्या होती है, मतलब रूल बनाने की जो पावर होती है वो दोनों में ऑलमोस्ट डिवाइड होती है, लेकिन वो भी कहाँ होती है, हर एक टॉपिक पे मैं बात करूं, सेंटर हैव द मोर पावर एज कम्पेयर टू स्टेट, स्टेट के पास कम पावर होती है और सेंटर के पास ज्यादा होती है। अब यहां देख लेते हैं इस चीज को, जैसे यूनियन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट में कौन कौन बनाता है रूल आपका, पार्लियामेंट, ठीक है। स्टेट लिस्ट में आपका स्टेट भी बनाता है और यूनियन भी बना लेता है, कभी कभी जब जरूरत पड़े तो,
अदरवाइज तो वो इंटरफेयर नहीं करता। जैसे स्टेट लिस्ट है, स्टेट प्लस यूटी विद लेजिस्लेचर, ये सारे आएंगे इसमें। अगर मैं कंकरेंट लिस्ट की बात करूं तो कंकरेंट लिस्ट में आपका पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर और यूटीज विद लेजिस्लेचर, ये सारे आते हैं, तो सारे रूल बना सकते हैं, हाँ या नहीं। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे आपका दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली के पास अपना लेजिस्लेचर है, यूटी है दिल्ली यूनियन टेरिटरी। अब इसके पास अपना लेजिस्लेचर है, लेकिन तीन चीजें नहीं है। कौन कौन सी चीजें नहीं है भाई? लॉ की पावर नहीं है, ठीक है, दूसरा किसकी पावर नहीं है? पुलिस की, और तीसरा लैंड की। तो तीन चीजों पे ये लॉ नहीं बना सकता दिल्ली। पांडिचेरी तीनों के पास बना सकता है, तीनों पे बना सकता है। तो यही डिफरेंस है दिल्ली और प्रोविजन नहीं दिए गए हैं इसको। इसकी जो लिस्ट है उसमें से ये एंट्री गायब है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कंकरेंट लिस्ट पे, सेंट्रल स्टेट दोनों बना सकता है। स्टेट मान लो एक लॉ है, एक कोई भी करंट लिस्ट में कोई भी लॉ है, क्रिमिनल लॉ है। क्रिमिनल लॉ सारे कहाँ आते हैं? कंकरेंट लिस्ट में। अब कंकरेंट लिस्ट में आईपीसी 8060 का कोई लॉ है, मान लो सेंटर उस पर लॉ बनाता है, ठीक है, सेंटर लॉ बना रहा है। तो वैसे अगर सेंटर लॉ बनाता है तो सेंटर का ही ज्यादा पावर होती है, सेंटर का ही लॉ क्या करेगा? प्रिवेल करेगा, सेंटर का ही लॉ रहेगा। लेकिन अब कोई ऐसा प्रोविजन है जिसपे सेंटर ने लॉ नहीं बनाया और उसपे स्टेट बना देता है, ठीक है, जैसे मैं यूपी की बात करता हूँ, यूपी में एंटीसिपेटरी बेल नहीं। एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है? नेता लोग जो पॉकेट में लेके घूमते हैं पहले से ही, कि अगर कुछ हो जाए तो उनको बेल मिल जाए, एडवांस बेल, एडवांस में बेल लेके घूमते होते हैं। वो बेल नहीं, पशुओं को बांधने वाले नहीं, जमानत लेके घूमते हैं वो एडवांस में, तो इसको एंटीसिपेटरी बेल बोलते हैं। अब ऐसा प्रोविजन बहुत सारे स्टेट में नहीं है, क्लियर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं किसकी, इसी के अंदर कंकरेंट लिस्ट में कुछ आइटम्स होते हैं। जैसे कंकरेंट लिस्ट में हम बात करते हैं राइट टू एजुकेशन है, राइट टू एजुकेशन पे सेंटर बनाता है और स्टेट भी बनाता है। अभी मान लो 134A था, 134A था, जिसके अंदर बच्चों को शिक्षा फ्री दी जाती थी, हरियाणा ने उसको रिपील कर दिया। एजुकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, हरियाणा ने उसको रिपील कर दिया। हरियाणा ने रिपील करके क्या बना दिया? चिराग योजना, चिराग योजना, चिराग स्कीम, जिसके अंडर बच्चे क्या पढ़ेंगे? फ्री एजुकेशन लेंगे, KG-2 कॉलेज, सुना होगा। अब ये क्या है? सेंटर अपने अकॉर्डिंग लॉ बना रहा है और स्टेट अपने अकॉर्डिंग लॉ बना रहा है, क्लियर। अब यही है जो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, अगर स्टेट भी मान लो सेंटर किसी पे लॉ, किसी चीज पे लॉ बना दिया तो स्टेट नहीं बना सकता। अगर सेंटर ने बनाया है तो स्टेट, मान लो सेंटर ने नहीं बनाया है, स्टेट बना सकता है। अगर स्टेट ने लॉ बना दिया है और सेंटर क्या कर रहा है? लॉ बना रहा है उस पे, तो किसका लॉ बनेगा? सेंटर का लॉ रहेगा, स्टेट का हट जाएगा। स्टेट सेंटर ने कोई लॉ बनाया है, जैसा अभी हमने देखा, उसके प्रोविजन, कोई प्रोविजन है, उस प्रोविजन पे लॉ नहीं बनाया सेंटर ने, लेकिन स्टेट ने बना दिया उस चीज से रिलेटेड लॉ, तो अब दोनों रहेंगे या एक ही रहेगा? क्यों रहेगा? मैं क्या कह रहा हूं फिर से सुनिए, कि भाई सेंटर ने लॉ बनाया था कोई, और सेंटर ने लॉ बनाया तो उसका कोई एक प्रोविजन था, उस प्रोविजन पे सेंटर ने लॉ नहीं बनाया, अब उसके ऊपर किसने लॉ बना दिया? स्टेट ने लॉ बना दिया, तो स्टेट का लॉ रहेगा या नहीं रहेगा? दोनों रहेंगे, दोनों रहेंगे। जैसे अभी हमने एंटीसिपेटरी बेल का देखा, क्लियर है। अब जैसे राज्यसभा है, राज्यसभा में कोई भी चीज पास करनी हो, स्टेट से रिलेटेड कोई पास करनी हो,
स्पेशल मेजोरिटी टाइप वन से पास हो जाती है वो। जैसे कोई भी मान लो स्टेट में कोई नई सर्विस ही शुरू करनी है, वो शुरू हो जाती है। एक सेकंड भाई, इसमें मैसेजेस नहीं दिखा रहा, आ रहे हैं मैसेज स्क्रिप्शन पे। पार्लियामेंट्री कमिटीज के नोट्स चाहिए, मिल जाएंगे मिल जाएंगे। एक बार ये पूरा हो जाता है, आज 1-2 दिन में पूरा हो जाता है ब्रज वाले जी, फिर देते हैं आप। ठीक है, अगर मान लो कोई भी स्टेट है, स्टेट लेजिस्लेचर है, स्टेट लेजिस्लेचर क्या करती है, खुद के ही उनका भी सीटिंग होती है। ठीक है, और उसमें वो क्या करती है, स्टेट लिस्ट पे क्या करती है, रूल बनाती है, अपना स्टेट लिस्ट को देखती है। पार्लियामेंट लॉ बनाता है, स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर बना सकता है जब जरूरत पड़े। अब हम एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंशियल कंडीशंस देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में अगर मैं बात करूं तो सेंटर है मोर पावर, किस किस एरिया में मोर पावर है आपका, मिलिट्री, रेलवे, प्रमोशन ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर, और प्रमोशन ऑफ ये ST SC जितनी भी हैं लो बैकवर्ड क्लास इन पे, और फाइनेंस में आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकता है किसी भी स्टेट में। ये आर्कियोलॉजिकल AIS का वो है यार, नहीं, ASI होता है वो तो। हाँ ASI होता है इसका, यार मैं भूल गया इसका क्या शॉर्टकट लिखा था, फिर ध्यान आने दो फिर बताता हूँ। हाँ हो सकता है, इमरजेंसी देखिए, इमरजेंसी सेंट्रल पावर, इमरजेंसी क्या है, सेंट्रल पावर कंसोलिडेशन एक्सरसाइज है। ठीक है, इम्पैक्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स, कि फंडामेंटल राइट्स पे इम्पैक्ट आता है। अब नेशनल इमरजेंसी 352 के अंडर लगती है, 356 के अंदर स्टेट यानी कि पार्लियामेंट प्रेसिडेंशियल रूल लग जाता है, और 360 में अब नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगी है, उसके बाद 100 से भी ज्यादा लग चुकी है। फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक लगी नहीं है इंडिया में, प्रेसिडेंशियल रूल बहुत बार लग चुका है। अब नेशनल इमरजेंसी की बात करूं तो नेशनल इमरजेंसी किस किस ग्राउंड पे लगती है, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन, इन चीजों पे लगती है। वॉर की कंडीशन, किसी देश के साथ हमारा वॉर चल रहा हो, जैसे चाइना के साथ वॉर चल रहा था तो नेशनल इमरजेंसी लगा दिया कि भाई लोग घर से बाहर नहीं निकले, शाम को जल्दी खाना खा के सो जाएं, ये सब हुआ था। उसके बाद अगर मैं सेकंड की बात करूं, एक्सटर्नल एग्रेशन, एक्सटर्नल एग्रेशन जो बाहर का कोई थ्रेट हो, इंटरनल आर्म रिबेलियन, ये 42nd अमेंडमेंट में ऐड किया गया आर्म रिबेलियन, इंटरनल डिस्टरबेंस था पहले, इंटरनल डिस्टरबेंस यानी कि देश के अंदर बहुत सारे दंगे भड़क गए हो तो उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो। एप्लीकेबिलिटी इंडिया के अंदर, थ्रू आउट इंडिया और इसके पार्ट्स के अंदर अप्रूवल इनिशियल 1 मंथ का, और उसके बाद आप किसके ले सकते हो, स्पेशल मेजोरिटी से 6-6 महीने का, जब तक मन चाहे कर सकते हो, जितना मन चाहे उसको खींच के ले जा सकते हो। हर 6 महीने में आपको क्या करना होगा, वोटिंग करनी होगी। ठीक है, और स्पेशल मेजोरिटी से आप जीत गए, पास हो गया तो आपका अगले 6 महीने के लिए फिर से लग जाएगी, फिर से लग जाएगी, बार बार लग जाएगी। इम्पैक्ट, इम्पैक्ट कैसा होगा, सब पे इम्पैक्ट होगा भाई, स्टेट लेजिस्लेचर, असेंबली, पार्लियामेंट, सब पे होगा या नहीं होगा। होगा या नहीं होगा,
पार्लियामेंट पे नहीं होगा, स्टेट पे सब पे इफेक्ट होगा, क्योंकि पार्लियामेंट इस टाइम क्या कर सकता है, स्टेट इमरजेंसी में कोई भी लॉ बना सकता है, ठीक है, इमरजेंसी, रेड बैग लेके आए हो इमरजेंसी, इम्पैक्ट ऑन फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, हट जाता है, ऑटोमेटिकली हट जाता है, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी में क्यों हट जाता है भाई, क्यों हट जाता है, अब आप कुछ नहीं कह सकते, क्यों नहीं कह सकते, किसी भी टॉपिक पे आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्यों नहीं है भाई, देश की हित का बात वही है, जैसे ट्रेन में बहुत सारे लोग बैठे हैं और एक आगे आ जाए तो इमरजेंसी ब्रेक लगाने पड़ सकते हैं, तो क्यों नहीं लगाते इमरजेंसी ब्रेक, क्योंकि एक के चक्कर में कितने सारे लोग मरेंगे, इसीलिए इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई नहीं किए जाते, आर्टिकल 19 तो हमारा चला गया, क्या आर्टिकल 20 और 21 भी चला जाता है, आर्टिकल 32 और 226 नहीं जाते, राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट सस्पेंड हो जाते हैं सर, आर्टिकल 19 जब सस्पेंड हो रहा है तो वो भी क्या होगा, 20 का वॉयलेशन, 21 का, 21 का वॉयलेशन नहीं होता, 21 हमेशा रहता है सर, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, आपको घर के अंदर तो जीने का अधिकार है ना, यही तो कहा है भाई, आपके फ्रीडम ऑफ मूवमेंट पे जो है उस पे रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि आप भाई बाहर मूव नहीं कर सकते, क्यों, नेशनल उसकी बात है, आप भाई किसी को कुछ बोल नहीं सकते, मनचाही गवर्नमेंट की, तो ऐसे तो जैसे इंदिरा ने लगाई थी उसके बाद तो बहुत सारे प्रोविजन आ गए, ऐसे मनचाही इमरजेंसी नहीं लगा सकते आप, अब देखिए जब भी इमरजेंसी होती है तो इमरजेंसी में आपको क्या करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैबिनेट को क्या करेगा, लिखेगा, राइटिंग में लेटर देगा, और वो लेटर कहाँ जाएगा, प्रेसिडेंट के पास, अब प्रेसिडेंट उसको क्या करेगा, देखेगा, और देखने के बाद उसको बताएगा कि इमरजेंसी प्रोवोक की जाए या नहीं की जाए, इमरजेंसी लगाई जाए या नहीं लगाई जाए, अगर लग गई तो फिर आपका फंडामेंटल राइट्स क्या हो जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, इमरजेंसी स्टेट के प्रेसिडेंट रूल लगाते हैं, तो प्रेसिडेंट रूल लगाते हैं तो गवर्नर ही तो संभालेगा, क्योंकि डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव कौन है, सेंटर का, वही तो है, अब बात करते हैं, मान लो 1 जनवरी 2021 या 22 को इमरजेंसी लगी, नेशनल इमरजेंसी, अब 1 महीना तो वैसे रहेगी, 1 महीने में आप पार्लियामेंट को बुलाओ, पार्लियामेंट में पास करवाओ उसको, अगले 6 महीने चली जाएगी, फिर दोबारा से पार्लियामेंट बुलाओ 6 महीने से पहले, और फिर से उसको अप्रूव करवाओ फिर से 6 महीने, ऐसे करके 6 महीने 6 महीने आप अनलिमिटेड टाइम क्या कर सकते हो, उसको एक्सटेंड कर सकते हो, स्टेट इमरजेंसी की बात करते हैं, स्टेट इमरजेंसी हमारी बहुत बार लगी है, 100 से भी ज्यादा बार लगी है, अभी 1.5-2 साल तो जम्मू कश्मीर में ही रही थी, ठीक है, किस ग्राउंड पे लगाई जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल होने के ग्राउंड पे लगा दी जाती है सर, एप्लीकेबिलिटी स्टेट बाय स्टेट का मतलब, हाँ सिर्फ एक ही स्टेट तक, जिस स्टेट में लगी है उसी में कन्फाइंड रहेगी, स्टेट के बॉर्डर तक ही, ठीक है, इनिशियल वैलिडिटी, अच्छा कितने तक रह सकती है अप्रूवल,
सिंपल मेजोरिटी से पास किया जाता है, 3 साल तक लगा सकते हैं। कैसे सर 3 साल तक? कैसे? एक बार 1 साल का, फिर 6 महीने का, फिर 6 महीने का, फिर 6 महीने का, ऐसे करके टोटल 3 साल। सारी चीजें अगर ठीक हो जाती हैं तो फिर क्या जरूरी है? आगे देखिए, नहीं वो तो फिर बाकी अगर नॉर्मल कंडीशन होता है तो डायरेक्ट प्रेसिडेंट अपने आप हटा देता। हाँ, वही रिप्रेजेंट करता है। प्रेसिडेंट के पास बोलेंगे कि अब इमरजेंसी की कोई जरूरत नहीं है, बीच में हटा सकते हैं तो वो हटा सकते हैं। अब इम्पैक्ट कहाँ कहाँ होता है? लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पे। पार्लियामेंट में होगा? नहीं होगा। स्टेट लेजिस्लेचर पे इम्पैक्ट होगा क्योंकि डिसॉल्व हो जाता है, सस्पेंड हो जाती है स्टेट एग्जीक्यूटिव, ठीक है? तो स्टेट लेजिस्लेचर डिसॉल्व हो जाता है या फिर सस्पेंड हो जाता है उस टाइम के लिए। सारी पावर किसके पास चली जाएगी? सेंटर के पास। अब सेंटर देखेगा जितने भी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव रूल्स हैं वो सारे देखेगा। कोई फंडामेंटल राइट्स पे इंपैक्ट इसका? कोई फंडामेंटल राइट्स पे इंपैक्ट? कोई इंपैक्ट नहीं है। हो भी सकता है भाई, किसी पे नहीं पड़ेगा, कोई फंडामेंटल राइट पे किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा गवर्नमेंट को टॉपल करने के लिए। फाइनेंशियल इमरजेंसी, जब इंडिया के पास पैसा खत्म हो जाएगा कभी भी, इन फ्यूचर आज तक हुआ नहीं है, कभी भी अगर पैसा खत्म हो जाएगा तो हम क्या लगा सकते हैं? ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। सात से 15 दिन का हमारे पास बचा हुआ था 1991 में। हाँ, जब हमारी इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी से ओपन इकोनॉमी हुई। एप्लीकेबिलिटी कोई डिफाइंड नहीं है, कहाँ लगेगी, कितनी लगेगी, क्या क्या हो सकता है। वैलिडिटी इनिशियली 2 मंथ की है कि एक बार 2 मंथ, लेकिन कोई प्रोविजन नहीं आया है अभी तक, लगी नहीं है तो पता नहीं कि भाई आगे हो सकता है या नहीं हो सकता। अच्छा, अप्रूवल सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी में आप इसको अप्रूव करवा सकते हैं। इम्पैक्ट कहाँ कहाँ इम्पैक्ट पड़ेगा? स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट दोनों पे इफेक्ट पड़ेगा। कैसे पड़ेगा सर? कि सबकी सैलरी क्या हो जाएगी? कट कर दी जाएगी, रिड्यूस कर दी जाएगी। क्यों कर दी जाएगी सर? हाँ, गवर्नमेंट में जितने भी हैं सबकी तो रिड्यूस कर दी जाएगी। कोई फंडामेंटल राइट्स पे इम्पैक्ट? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोम की गुड़िया बोला जाता था इनको, और इन्होंने ही इंडिया में इमरजेंसी लगाई। हाँ, हाँ, इंटरनल डिस्टरबेंस पे इन्होंने क्या लगाई थी? इमरजेंसी लगाई थी। इनको पता चल क्या? बहुत सारे लोग थे। वो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसीलिए तो हुआ था।
इंटरनल डिस्टरबेंस पे और सेंसरशिप इंपोज हो गई थी। अब इंटरनल डिस्टरबेंस कब हुआ था? 12 जून 1975। 1975 में क्या हुआ था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट फाउंड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी गिल्टी ऑफ इलेक्टोरल, कब इनको पाया, दोषी पाया गया किसमें? इलेक्शन में, जो पहले वाली मूवी नहीं होती कि वो डब्बे उठा ले जाते थे, इलेक्शन होता था है ना, या फिर लोगों को डरा धमका के क्या करते थे, वोट करवा लेते थे। वो जो केस आप बात कर रहे हो वो ये केस है, इंदिरा गांधी वर्सेज राजनारायण केस, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में था। इसके ऊपर इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया एंड बैर फ्रॉम द होल्डिंग द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर फॉर द 6 ईयर्स। अगले 6 महीने के लिए ये प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट नहीं ले सकती है, ना कहीं की एमपी हो सकती है, ना कहीं की एमएलए, और ना प्राइम मिनिस्टर, कहीं का कुछ नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्या था? स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेज राजनारायण केस में जस्ट जो वर्डिक्ट आया था वो क्या आया था? जगमोहन लाल सिन्हा ने दिया था कि इंदिरा गांधी हैज वोन द 1971 लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम रायबरेली, रायबरेली से ये जीत गई थी, और डिफेक्टिंग द सोशलिस्ट लीडर राजनारायण सिंह, इनको हरा दिया था जो सामने बैठे हैं राजनारायण सिंह को। उसने बाद में क्या किया था? चैलेंज किया था किसको? इन्हीं इलेक्शंस को, और किसके अंडर? वायलेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। अब इसमें भी ये हार जाएगी। हाँ, सुप्रीम कोर्ट गारंटीड ए कंडीशनल स्टे ऑन द हाई कोर्ट डायरेक्टिव्स और टेम्पररी कंडीशंस पे क्या लगा दिया था, हाई कोर्ट के जो वर्डिक्ट थे उस पे बैन लगा दिया था थोड़े टाइम के लिए। अगला केस आ गया, मतलब अगला हुआ 25 जून 1975। कौन था उस टाइम प्रेसिडेंट? फरुखदीन अली अहमद। फरुखदीन अली अहमद डिक्लेयर द स्टेट इमरजेंसी फॉर द फ्यू मिनट्स बिफोर मिडनाइट। कुछ देर के लिए लगाई थी स्टेट इमरजेंसी, उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है। ये उस टाइम का लेटर है, 5 जुलाई 1975। इन द क्राइसिस ऑफ पावर कन्फर्ड बाय द क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये क्या है? फरुखदीन अली अहमद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय द प्रोक्लेमेशन डिक्लेयर दैट ए ग्रेव इमरजेंसी एक्सिस, क्या एग्जिस्ट, वेयर बाय द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया इज थ्रेटेंड बाय द इंटरनल डिस्टर्बेंस। अब ये इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह क्या आ गया? आर्म रिबेलियन। चेंज कर दिया क्या? आर्म रिबेलियन। अब इसने तो कुछ देर के लिए ये लगाई थी और फिर वो क्या हो गई, 26 तारीख को क्या हो गई? कुछ फॉर्मेलिटीज थी वो पूरी की, 26 तारीख को क्या लग गया, इमरजेंसी इम्पोज हो गई। 30 तारीख को क्या हुआ, मेंटेनेंस इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के मीसा लगा के सब पे, सब अंदर। लालू की बेटी का भी नाम मीसा है और वो क्यों है, इसी एक्ट के कारण है। लालू भी गया था ना, बीजेपी जो भी जितनी भी पार्टियां थी भाई, सबको उठा के डाल दिया था और सबको रेला था, अच्छे से पेला था सबको। ये आपके अटल बिहारी वाजपेयी, एक वो नहीं, इनका वो सीनियर है ना, राजनाथ, नहीं राजनाथ नहीं, एक और है वो सीनियर, अटल बिहारी वाजपेयी।
एक और है इनका सीनियर, क्या नाम है उनका, अरे जो मोदी से पहले बोला जा रहा था कि वो पीएम बनेगा, नहीं, हाँ, आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी, आडवाणी जी, वो भी अंदर थे बेचारे, शरीफ शरीफ इंसानों को अंदर डाल दिया था, फेल दिया था इन्होंने। मीसा क्या था, मीसा क्या था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट वाज अमेंडेड थ्रू एन ऑर्डिनेंस दैट डिटेंशन ऑफ एनी पर्सन हु अपोज द गवर्नमेंट विदाउट एनी ट्रायल वॉज अलाउड। अंग्रेजों वाली चीजें आ गई थी, विदाउट एनी ट्रायल उठा के कर दो अंदर, रोलैक्ट एक्ट था वैसा ही कुछ बना दिया कि बिना कुछ कहे बिना कुछ सुने अगर गवर्नमेंट की कोई नहीं मानेगा, सीधी सीधी बात है भाई, ये तो फंडामेंटल राइट्स का क्या कर रहा है, वोलेशन कर रहा है या नहीं कर रहा है, अब किसी को बोलने भी नहीं दे रही है। नेक्स्ट क्या है, मीसा वाज कंट्रोवर्शियल लॉ पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट इन 1971 गिविंग द एडमिनिस्ट्रेशन टू द प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी एंड इंडियन लॉ इन्फोर्स एजेंसी वेरी वेरी ब्रूड पावर। अब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो भी थी, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, उसको क्या दे दी, बहुत ज्यादा पावर दे दी, इंडेफिनेट प्रिवेंटेटिव डिटेंशन, अनलिमिटेड टाइम तक, इंडेफिनेट टाइम तक डिटेंशन ऑफ इंडिविजुअल, सर्च सीजर ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब उसके घर पे आप क्या कर सकते हो, घर पे जाके कुत्ते छोड़ सकते हो, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी ले सकते हो, उसको बाहर रोड पे खड़ा कर सकते हो विदाउट वारंट, कोई भी वारंट कोई भी कुछ भी नहीं लेना, आपको सीधा चले जाइए, किसी की आपको परमिशन नहीं लेनी पड़ती। अब किसी की नहीं लेनी पड़ती तो फिर यहाँ पे आर्टिकल 32 का भी तो वायलेशन है या नहीं, वो बता ही नहीं पाएगा भाई कौन सी अथॉरिटी से आया है, क्या लगाओगे आप उस पे, हैबियस कॉर्पस भी नहीं लगेगा, इलीगल डिटेन वगैरह कुछ नहीं, कहाँ जाएगा उसको उठा के तो पेल दिया। भाई इन्होंने लॉ ही ऐसा बना दिया, कहाँ जाएगा वो, इन क्वेलिंग द सिविल एंड पॉलिटिकल डिसऑर्डर इन इंडिया एज वेल एज द काउंटरिंग फॉरेन इंस्पायर्ड सबोटेज टेररिज्म सबटरफ्यूज एंड थ्रेट्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे मन में आए उसको धर दो, मन में आए उसको उठा के और डाल लो जेल में। 1 जुलाई को क्या हुआ था, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी इंट्रोड्यूस 20 पॉइंट प्रोग्राम फॉर इकोनॉमिक एंड, इसी को 20 पॉइंट प्रोग्राम बोलते हैं, वेलफेयर के लिए लेके आई थी, उन्होंने कहा था कि भाई वेलफेयर के लिए लेके आ रही है 20 पॉइंट प्रोग्राम, अंडर दिस प्रोग्राम सी प्रोमिस्ड क्या, लैंड रिफॉर्म की बात की कि भाई मैं लैंड रिफॉर्म करूंगी, अबोलिश द प्रैक्टिस ऑफ बाउंडेड लेबर, बाउंडेड लेबर क्या, बंधुआ मजदूरी, भाई एक के पास आपने किसी से कर्ज लिया है उसी के पास आप भी काम कर रहे हो, उसी के पास आपकी औलाद भी काम कर रही है, उसकी औलाद भी काम कर रही है, ये सारी क्या है, बंधुआ मजदूरी है, परमानेंट, एक ही के पास आप इधर उधर काम कर रहे हो। नेक्स्ट क्या है, सप्लाई क्लोथ्स टू द पुअर एंड इंक्रीज जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर अमंग अदर थिंग्स। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सी असर्टेड दैट इट वॉज टू बी एबल टू इंप्लीमेंट दिस प्रो पुअर प्रोग्राम दैट सी हैड इम्पोज द इमरजेंसी सो दैट द रिच हु अपोज इट कुड बी
मतलब जो लैंड रिफॉर्म का क्या करेगा, अपोज करेगा, उसको रोका जाए। अब ये 20 प्रोग्राम मतलब कैंडी दिखाई लोगों को कि मैं लेके आना चाहती हूँ गरीबों के उत्थान के लिए, और जो अपोज करेगा उसको उठा के रेला जाएगा। अब उसने उठाया और इसके ही नाम पे क्या किया, सबको अंदर डाल दिया। ये इस प्रोग्राम का क्या हुआ? लैंड रिफॉर्म्स का हम पढ़ चुके ना शायद, केशवानंद भारती केस और मिनर्वा मिल्स केस। उस टाइम 26 पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, इंक्लूडिंग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS, NGO है जो, एंड जमाते इस्लामी वर बैन। इन दोनों को बैन कर दिया था। जमाते इस्लामी तो है, थोड़ा बहुत नाम है आज भी इसका। अरे तबलीगी जमात, तबलीगी जमात नहीं सुना? कोविड के टाइम पे इतना फेमस था वो तो, जब कोविड फैला। दिल्ली के अंदर छोटा पाकिस्तान वही तो था। जयप्रकाश नारायण ने क्या किया, जैसे ही इमरजेंसी लगने वाली थी उससे थोड़े दिन पहले एंटी गवर्नमेंट रैली निकाली और उसके बाद अरेस्ट हो गया। आरएसएस का रोल क्या था भाई? आरएसएस को क्यों बैन किया? क्यों किया बंद? क्योंकि भाई पहला तो इसका लार्ज ऑर्गेनाइजेशन बेस था। इट वाज बिलीव दैट टू हैव पोटेंशियल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, पुलिस कैम्प डाउन ऑन द ऑर्गेनाइजेशन एंड थाउजेंड्स ऑफ इट्स वर्कर वर इम्पोज्ड। भाई पुलिस ने क्यों इम्पोज किया, मतलब पुलिस ने क्यों किया ऐसा? ऑब्वियसली ऑर्डर है, और सेंटर पुलिस किसके पास है? सेंटर के पास। तो सेंटर जो ऑर्डर करेगा उठा के, दिल्ली में पुलिस किसके पास है? अभी तो देखा हमने, सेंटर लिस्ट में है ना। अब जिसके पास पुलिस है वो मनचाहा करेगा, जैसे बाबा रामदेव को भगाया था। आया नहीं? तो ऐसे इनको भगा भगा के मार रही थी। आरएसएस डिफाइन द बैन एंड थाउजेंड ऑफ पार्टिसिपेटेड इन द सत्याग्रह, पीसफुल प्रोटेस्ट थी अगेंस्ट द बैन एंड द कर्टेलमेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। क्योंकि इमरजेंसी लगेगी तो फंडामेंटल राइट्स क्या हो गए, हट गए थे। तो इस पे वो लोग क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे पीसफुल। द वॉलंटियर्स ऑफ द आरएसएस आल्सो फॉर्मड अंडरग्राउंड मूवमेंट फॉर सच रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, के वो अंडरग्राउंड क्या चला रहे थे। कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं? लिटरेचर दैट वाज सेंसर्ड इन द मीडिया वाज क्लैंडेस्टिनली, क्या है ये, पब्लिश्ड एंड डिस्ट्रीब्यूट ऑन द लार्ज स्केल एंड फंड्स वर कलेक्टेड फॉर द मूवमेंट। क्या कह रहे हैं कि भाई उन्हीं की तरह पर्चे वर्चे बांटे गए और इधर उधर लोग गए और फंड्स इकट्ठा किए। फंड्स इकट्ठा किए किसके लिए? मूवमेंट के लिए। अब मूवमेंट के लिए फंड आ गया तो ये क्या करेंगे,
They established network between the leaders of different political parties in the jail and outside of the outside for the coordination of the movement. Economist described the movement as the only non-left revolutionary forces in the world. क्या कह रहा है ये मुझे बताओगे? क्या डिफाइन कर दिया इसने? इसमें कोई बचा था क्या? उस टाइम की सारी पार्टियां तो अपोज कर रही थी. It said that the movement was dominated by the 10,000 of RSS. Taking about its objective, it said its platform at the movement was only one plank to bring the democracy back to India. सबका इस प्लेटफॉर्म का एक ही मकसद है क्या? कि डेमोक्रेसी लेके आना इंडिया के अंदर वापस. अब इंदिरा जी को ये बात पसंद नहीं आई और उठा के सबको कर दिया आगे. हाँ तो शिवसेना की भी तो वो आइडियोलॉजी थोड़ी सी तो डिफरेंट है, बाकी सेम है. बजरंग दल वो भी सेम है, लेकिन अलग अलग संघ है ये. क्या कह रहा है? 23 जुलाई को राज्यसभा ने पास कर दिया और फिर लोकसभा ने भी इसको पास कर दिया. 5 अगस्त को क्या हुआ? सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? मीसा लगा दिया, मतलब लालू की बेटी हो गई. लालू अंदर थे तब हुई थी उनको बेटी. और ओवर द 1 लाख पीपल इंक्लूडिंग द लीडर्स अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, अरुण जेटली, हाँ विजय राजे सिंधिया, उसके बाद आर के स्टालिन. अब ये सब क्या थे? इनको अंदर कर दिया, जो मेन लीडर थे ना अपोजिशन के, सबको उठा के डाल दिया. जेपी मोरारजी अडवाणी, अशोक मेहता एंड वाजपेयी अरेस्टेड. ये न्यूज़पेपर की कटिंग है. कौन सा? हाँ इंडियन हेराल्ड उस टाइम आता था. उसके बाद देखिए जनवरी 1976 गवर्नमेंट सस्पेंडेड 7 फ्रीडम्स गारंटीड बाय द आर्टिकल 19. अब इनको भी सस्पेंड कर दिया. आर्टिकल 19 में जो 6 क्या है फ्रीडम्स मिले हैं आपको. प्रेसिडेंट प्रोक्लेम्ड नेशनल इमरजेंसी, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया थ्रेटन्ड बाय इंटरनल डिस्टरबेंस, प्रिवेंटेटिव अरेस्ट, प्रेस सेंसरशिप इम्पोज. वही आ गया, प्रेस को भी अपने कंट्रोल में ले लिया. फंडामेंटल राइट्स, ये देखिए ये उसी टाइम का न्यूज़पेपर कटिंग है. कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स इसने हटाए थे? 4 फरवरी क्या हुआ? तो भाई प्रेस पे सेंसरशिप लगा दी थी. प्रेस पे सेंसरशिप लगा दी मतलब आप प्रेस तो मन में आएगा वो तो छाप नहीं सकता ना. गवर्नमेंट की बुराई करेगा वही उसको उठा के उसको भी अंदर बिठा देगी. तू ले छाप यहाँ पे छाप. हाँ अर्णब गोस्वामी की तरह तू बोल अब क्या बोलेगा.
नेक्स्ट देखिए, द लोकसभा वाज एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर. अभी चुनाव होने थे, लोकसभा को क्या किया, एक्सटेंड कर दिया 1 साल. उसके बाद एचआर गोखले ने क्या किया, 1 ईयर की एक्सटेंशन के लिए बिल पास किया, और बिल पास हो गया. द बिल वाज अपोज्ड बाय ए सेक्शन ऑफ अपोजिशन इंक्लूडिंग द मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट एंड पार्टी का नाम था, लेकिन फिर भी पास हो गया. गोखले सेड दैट, क्या कहा, विद रिगार्ड टू द प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी इट इज कंसिडर्ड नेसेसरी टू एक्सटेंड द ड्यूरेशन ऑफ प्रेजेंट हाउस ऑफ द पीपल बाई ए पीरियड ऑफ 1 ईयर. कि भाई इस चीज को देखते हुए, इस एमरजेंसी को देखते हुए या इन कंडीशन को देखते हुए हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना तो पड़ेगा, चुनाव तो हो नहीं सकते. आप देखिए, संजय गांधी के टाइम में लोगों, अरे वो मूवी देखी है, भैंस की आंख, सांड की आंख, सॉरी, भैंस की आंख, सांड की आंख देखी है, शूटर दादी. उसमें वो दो लोग हैं, उनके जो पति हैं वो भाग भाग के चले जाते हैं और छुप जाते हैं. ये चीज वही है. गांधी, मतलब ये क्या था, संजय गांधी, संजय गांधी की गवर्नमेंट थी तो जबरदस्ती नसबंदी कर दी गई थी ये पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए. और क्या किया गया था, लोगों को पकड़ पकड़ के, जो भी रोड पे दिखे कुत्तों की तरह पकड़ के उनको वैन में डालो और वहीं पे उनका स्टरलाइजेशन करो और छोड़ दो, चाहे वो मैरिड हो या ना हो, डजेंट मैटर, उसके बच्चे हुए हो ना हुए हो, कोई रवाई धोई नहीं, कोई सुनने वाला नहीं. उसमें यही दिखाया है. अब वो माए क्या करती हैं, अपने बच्चों को चॉकलेट का बहाना देती हैं, टॉफी का बहाना देती हैं, और कि अब की बार गाड़ी आए ना तो बता देना तेरे बापू कहाँ छुपे हैं, और वो बच्चे कर भी देते हैं. कितने स्टरलाइजेशन किए थे, 8.3 मिलियन. अब ये बताओ छोटा आंकड़ा है क्या, 8.3 मिलियन. अस्सी लाख छोटा थोड़ी है, और वो भी जबरदस्ती उस टाइम में. तो भाई अभी भी टू चाइल्ड पॉलिसी है, अभी भी 1 चाइल्ड या टू टू चाइल्ड, अभी दोनों भी हैं. हाँ, अब वही है कि वहां पे जो मॉमडन है ये लोग कहते हैं कि ये तो अल्लाह की देन है, आने दो भाई, जितने आते हैं हर साल ट्रेन में एक डब्बा जुड़ जाए तो फायदा ही है. क्यों भाई, इनका ना तो पढ़ाई का खर्चा लगता है, ना तो पढ़ाई का खर्चा लगता है. थोड़े से बड़े हुए, बापू बेटा साथ काम पे जा रहे हैं, कमाने लग जाते हैं. वर्कफोर्स इनका ज्यादा है तो कमाई ज्यादा है, सीधी सी बात है. शादी की टेंशन नहीं है, खुद को छोड़ के किसी के घर में कर दो, चाचा की लड़की से कर लेते हैं, मामा की लड़की से कर लेते हैं. मेरी बहन है, मेरा चाचा का लड़का मेरा भाई है, लेकिन उसकी बहन मेरी बहन नहीं है. अजीब कंसेप्ट है इनका. वैसे ठीक है, उनके रीति रिवाज है. अरे तो जेनेटिक डिजीज आए तो म्यूटेशन हो तो कहीं, अच्छी बात है ना, म्यूटेशन हो जाए तो.
आज की गवर्नमेंट भी तो यही चाहती है कि किसी तरह म्यूटेशन हो। देखिए इसमें देखिए, ये लाइन देखिए, जिन लोगों की इच्छा नहीं थी उनको भी पकड़ के काट पीट दिया गया, भेड़ बकरियों की तरह किया गया था कि तुम आ जाओ बस एक बार, हाथ लग जाओ बेटा, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास हुआ, क्या हुआ था इसमें, क्या हुआ था, कंट्री को 3 वर्ड मिले नए, कौन कौन से, सेक्युलर, रिपब्लिक तो था ही, पहले था ही, लेकिन इंटेग्रिटी मिला था, ठीक है। नेक्स्ट, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों, क्योंकि बहुत सारे प्रोविजंस लेके आई थी ये बेचारी। एक्ट वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑन 11 नवंबर 1976 और 3 new words कौन कौन से, सोशलिस्टिक, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी वर एडेड इन द प्रीएम्बल। फंडामेंटल ड्यूटीज बाय द सिटीजन्स कहाँ ऐड की गई, 4A, पार्ट 4A में ऐड की गई, और किसके द्वारा ऐड की गई, कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन थी, स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे। अठारह जनवरी आखिर थोड़ी सी राहत मिली, और राहत क्या मिली कि भाई 18 जनवरी 1977 को क्या हुआ, इलेक्शन अनाउंस हो गए, और गांधी, कौन से, इंदिरा गांधी ने फ्रेश इलेक्शन मार्च में किए, और वहां से ये ऑफिशियल इमरजेंसी को हटा दिया गया, कब, 23 मार्च 1977 को, 1979 को हटा दिया गया। अब जनवरी 20 जनवरी को लोकसभा डिसॉल्व हो गई, और उसके बाद सेंसरशिप को क्या किया गया, हटा दिया गया, कहां से, प्रेस से, मोरारजी देसाई। अब मोरारजी देसाई आते हैं, क्या करते हैं, जनता पार्टी से ये कहां आ गए थे, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, लास्ट वाजपेयी इलेक्टेड प्रेसिडेंट, ठीक है, ये आपने वाजपेयी साहब हैं इधर बैठे, और ये इधर क्या है, आपकी मोरारजी देसाई है। ऑर्डिनेंस बैंस स्ट्राइक इन असम की जो ऑर्डिनेंस लेके आया गया, और ऑर्डिनेंस में क्या कहा गया कि जो असम में इसी से रिलेटेड जो चली हुई है स्ट्राइक, उसको बैन किया गया, ठीक है। उसके बाद आ जाइए मार्च 16 1977 पे, जनता पार्टी जो बीजेपी है वो जीत गई थी, कितने सीटों से, 354 सीटें आई थी, ठीक है, सबसे ज्यादा, आज तक की सबसे ज्यादा सीटों से कांग्रेस ही जीती है, 400+ सीट है। मोरारजी देसाई बिकम द फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इमरजेंसी के बाद बने थे 18 जनवरी 1977। अभी तो देखा था कि इसने फ्रेश इलेक्शन करवाए थे,
जनता पार्टी ने कहा कि भाई तुम्हारे पास लास्ट चांस है किसका, या तो डेमोक्रेसी चुन लो या फिर डिक्टेटरशिप चुन लो। अब लोगों ने डेमोक्रेसी चुनी, 6 जनरल इलेक्शन हुआ और जनता पार्टी जिंदाबाद और मुरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन गए। हाँ क्या हुआ था? इसीलिए तो इंटरनल डिस्टरबेंस था, हर स्टेट में ही था, थोड़ा थोड़ा तो हर स्टेट में ही था। अब जो आपके प्रेसिडेंट थे उस टाइम के, उनका हैप्पी बर्थडे हो जाता है। उसके बाद 21 मार्च इमरजेंसी ऑफिशियली विड्रॉल हो जाती है। कितने महीने के लिए थी? 21 महीने के लिए, लगभग ऑलमोस्ट 2 साल, 2 साल रही थी। क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द गवर्नमेंट क्या क्या थे भाई? डिटेंशन, अभी सबसे पहला तो वही था कि बिना किसी चीज के, बिना किसी नोटिस के भी उठा के फेल दिया बेचारों को। दूसरा अब्यूज ऑफ पावर था। तीसरा पॉलिटिकल एंड प्राइवेट मीडिया सबको बैन किया हुआ था। चौथा फोर्स स्टेरिलाइजेशन। पांचवा हाँ नेक्स्ट भाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था, उसमें बहुत सारे लॉ इंट्रोड्यूस किए, तो इसीलिए लगभग 40 के करीब ऐसे लॉ थे जो इंट्रोड्यूस किए गए थे। अब मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर की तरह क्या ले रहे हैं? शपथ ले रहे हैं, इनका शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है चौधरी चरण सिंह। अब आ जाइए यहां पे, पढ़िए भाई। स्पेशल स्टेटस ऑफ द स्टेट डिस्कस करना है बस। नेक्स्ट क्या है? छोटा स्टेट बेटर गवर्नेंस, कैसे? छोटा स्टेट बेटर गवर्नेंस कैसे, वही बोलना है। 13 में दूसरा देखिए, क्योंकि उस टाइम पे 2013 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था। 13 का चल रहा था उस टाइम, चल रहा था। हाँ एक्ट 2013 होगा जब भी था भाई, उस टाइम चल रहा था ये। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट 14 में देखिए,
क्या है 14 का? सेंटर स्टेट रिलेशन ही बताना है भाई। कैसे बता सकते हो सीधी सी बात कि सेंटर कैसे स्ट्रोंग है? अभी देखा था थोड़ी देर पहले ही। नेक्स्ट, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वही है, फेडरलिज्म पे पूछा। नेक्स्ट क्या है 15 में ही? दूसरा नेक्स्ट दिल्ली गवर्नमेंट क्राइसिस, फेडरल पॉलिसीज, वही फेडरल स्ट्रक्चर पे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, तो मेरे ख्याल से सेम सेम आंसर आएगा सबका। और देख लेते हैं, हाँ सेवेंटी 2016 में 370। नेक्स्ट 2016 में देखिए, हाँ ये तो प्योर थ्योरी बेस है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए 2017 में, लास्ट वाला 2017 का। एक सौ एक का दोबारा आया है, पहले भी पढ़ चुके, दोबारा है ये। नेक्स्ट अभी पढ़ा। नेक्स्ट 2018 में करंट अफेयर बेस था ये, गवर्नमेंट वो इश्यू चला था दिल्ली के अंदर गवर्नर वाला। नेक्स्ट लास्ट का देखिए, ये शायद पहले भी आ चुके हैं। अब आ जाइए फेडरलिज्म, सेंटर स्टेट रिलेशन, क्या क्या है सेंटर स्टेट रिलेशन? इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल? क्या इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरलिज्म है? कैसे कह सकते हैं? पढ़िए इसको, जो लिखा है उसको पढ़िए एक बार।
लिखना आ जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि वर्ड लिमिट कहां तक कितना कौन सा क्वेश्चन लिखना है। ये पढ़ा 20 20 क्वेश्चन है। वो सब लिखा हुआ है हर एक के बाद। तो ठीक है, इसको पढ़ा, क्या लिखा है भाई इसमें? कॉन्स्टिट्यूशन में तो हमारे लिखा है फेडरल है हम, लेकिन क्या हम फेडरल हैं? क्वासी फेडरल है। मैंने उस टाइम जब हम पढ़ रहे थे तब मैंने आपको दिखाया था कि कुछ कोट्स दिखाए थे, अंबेडकर साहब का, नेहरू जी का दिखाया था। उन्होंने भी क्या कहा है, हम सेंटर को मतलब स्टेट को उतनी ही पावर देंगे कि जिससे इसको बदहजमी ना हो, वोमिटिंग ना हो। अगर ज्यादा पावर दे दी तो इसको वोमिटिंग हो जाएगी, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होगा और क्या करेगा, ये नया पाकिस्तान बनने की कोशिश करेगा। इसीलिए हम इसको इतनी पावर देते हैं जितना इसको हजम हो पाए, और वो भी टाइम टाइम पे वापस ले सकते हैं। अगर ज्यादा उछल कूद की इसने तो हम टाइम टाइम पे वापस ले सकते हैं। तो हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी जगह ऐसा भी लिखा है कि हम क्या है, जैसे आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 1 में क्या लिखा है, यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन का मतलब जैसे यूएसए में ड्यूअल गवर्नमेंट थी, तो यहां पे भी ड्यूअल गवर्नमेंट होगी। नेक्स्ट पार्ट 5, पार्ट 5 में क्या है, पार्ट 1 क्या है आपका, स्टेट, पार्ट 2 सिटीजनशिप, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 प्रेसिडेंट, पार्ट 6। भाई पार्ट 5 में सेंटर आ गया पूरा पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्ट 6 में स्टेट आ गया आपका, तो स्टेट और सेंटर दोनों की पावर ऑफ डिवीजन दिया है, पावर ऑफ डिवीजन अंडर द आर्टिकल 246, रीड विद द शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 में क्या है, लिस्ट। हाँ, नेक्स्ट, फर्दर अंडर द नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस वी हैव ए कोऑर्डिनेट पार्टी एंड नोट सबऑर्डिनेट पॉलिटी, सॉरी कोऑर्डिनेट पॉलिटी विद नोट ए सबऑर्डिनेट पॉलिटी, बिकॉज द स्टेट हैज द सेम पावर ओवर द स्टेट लिस्ट एज द सेंटर हैज पावर ऑन द यूनियन लिस्ट। यहां पे आगे क्या लिखा है, अवर्स ours is a written and supreme constitution with the unique balance of rigidity and flexibility, 368 article, ठीक है। supreme court is the independent, अभी करेंगे judiciary किया नहीं है, हमारी federal का एक structure है, ये हमारी independent judiciary, federalism का structure है। ये dispute resolution का भी काम करता है, state डिस्प्यूट और फाइनल इंटरप्रिटेटर भी है, किसका, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। अब आ जाइए, सेंट्रलाइजिंग फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म कौन कौन से, यहां पे कौन कौन से इश्यूज हैं जिन पे सेंटर मोर पावर होती है सेंटर के पास, ठीक है। फेडरलिज्म, कि भाई क्या चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको बायस करती हैं, मतलब फेडरलिज्म बराबर पावर ना देने के बजाय आपको यूनिटरी बायस करती है, ठीक है। आर्टिकल 1 क्या कह रहा है, इंडिया दैट इज भारत shall be the union of state and not be the federal state. Federal state नहीं होगा। Legislature relation क्या कह रहा है, under the article 248 confers the regulatory power in the union, union को more power दे दी। 49 में क्या कह रहा है, किसी भी law पे
मतलब किसी भी लिस्ट पे क्या कर सकता है, पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, पार्लियामेंट इमरजेंसी प्रोविजंस भी किसके पास है, यूनियन के पास है। यही है नेक्स्ट 252 में क्या बोल रहा है कि स्टेट के पास कम पावर है और यूनियन के पास ज्यादा पावर है। अभी आगे आ जाइए, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव रिलेशन आप ये देख लेना, सुप्रीम कोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है इसके ऊपर, कौन कौन से केस थे। उसके बाद दूसरा केस है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसके बाद है स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और कुलदीप नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देखिए पीछे, डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, कि सभी के पावर, सभी के पास जो पावर है वो अलग अलग है, आप एक दूसरे की पावर में ना झांके। कंप्लीट सेपरेशन नहीं है हमारे यहाँ पे पावर्स का, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। वेस्ट बंगाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस में क्या कहा था, सेंटर के पास ज्यादा पावर, हरियाणा में सेमी फेडरल सिस्टम बताया। उसके बाद कुलदीप नारायण केस में क्यों चाहिए वो भी हमें पता है, रीजन भी बताया था हमने, स्ट्रॉन्ग सेंटर क्यों होना चाहिए इंडिया के, वहीं पे हमने ये सारा कर लिया था वैसे, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी निकला हूँ यहाँ से। हाँ ये तो आएगी भाई, अरे आएगी, मैंने क्या कहा था इसको पूरा होने दो फिर आएगी, इसको पूरा होने दो फिर आएगी। तो लक्ष्मीकांत चाचा किस काम आएंगे, मजा नहीं आ रहा। तो डीडी बासु पढ़ लो, डीडी बासु पढ़ लो, ज्यादा मजा लेना है तो। एनसीईआरटी हो गई सारी, अच्छा इम्पोर्टेंस क्या है अगर पूछ ली जाए। कर लिया नोट,
ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, कंपेरेटिव एंड कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म होता क्या है भाई, एक बार पढ़ के जरा मुझे समझा दीजिए। स्टेट स्टेट से यार हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप इसका मतलब क्या, स्टेट टू स्टेट वही तो पूछ रहा हूँ। एवरी स्टेट हैव इक्वल पावर, कंफर्मेशन वो वर्ड देखिए, रिजल्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांसग्रेसिंग इनटू पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, मतलब क्या कह रहे हो, हाँ दोनों के पास दोनों की सहमति जरूरी है, अगर उन्होंने मना किया तो नहीं होगा। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आ गया, ये आपका एग्जांपल दिए हैं। चैलेंजेस फेडरलिज्म के चैलेंजेस क्या क्या हैं ये देख लीजिए। कॉम्पिटिटिव ये आपका फेडरलिज्म खत्म, गवर्नर हमारा हो गया था, उसके बाद बच क्या गया भाई हमारा, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट ये बच रहा है। इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट जो अभी बहुत सारे जैसे SYL ही आया अभी काफी चर्चा में रहा है, तो इसके लिए भी क्या है आपका इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट मैकेनिज्म काम करता है, और इस सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो क्या करे इन मामलों को देख सके। अब वो क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट ट्राइब्यूनल बना सकता है, ठीक है ट्राइब्यूनल वो बनाएगा तो वो ट्राइब्यूनल काम भी करेगी इसके ऊपर और सारे मैटर्स भी देखेगी जिस जिस स्टेट के बीच में वाटर डिस्प्यूट है, ठीक है। अब वाटर डिस्प्यूट होता क्या है भाई, वाटर डिस्प्यूट होता क्या है कि गंदा पानी यहां से नहीं निकालोगे तो इस बार ये इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि SYL चर्चा में रहा है, ठीक है। अब सर क्या है ये, कैसा है कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड क्या है, इसके रूल्स क्या है, कौन क्या है, कौन कौन से केस हैं, ये सब इसी में हम डिस्कस करेंगे। क्या हो गया, अच्छा
ये कुछ ट्राइब्यूनल्स हैं, इंटर ट्राइब्यूनल जो सेटअप किए गए थे उनमें है, और कौन कौन से किस किस स्टेट में है। ये इंदिरा गांधी के टाइम का ही है। सिग्निफिकेंस इसकी क्या है, सरकारी कमीशन क्या था, सरकारिया कमीशन की सजेशंस, इसको हम कल करेंगे वैसे, क्योंकि एक बार आज एक टॉपिक पढ़ लिया आज बहुत है, इमरजेंसी हमारा हो ही गया। इमरजेंसी तो वैसे भी हमारा हो गया, इमरजेंसी के प्रोविजंस भी हो गए, ये तो देख तो लिया था ना हमने ये सारी चीजें। और क्या है, कुछ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ये भी कल देखेंगे। और क्या है, फेडरलिज्म हो गया हमारा, गवर्नर हो गया, ये सब हो गया हुआ था। अब हमारा रहता है भाई एक चीज, जुडिशियरी, अब वो कर लेते हैं, जुडिशियरी कर लेते हैं। नहीं भाई, जुडिशरी के बाद कहाँ खत्म, अभी तो कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज तो रहती है ना, उनकी तो बात नहीं की अभी। फिर तुम बोलोगे सर सीएजी नहीं बताया, ये नहीं बताया, वो नहीं बताया, इलेक्शन कमीशन की बात नहीं की, यूपीएससी की बात नहीं की, तो सारी बातें तो करनी पड़ेंगी ना, और बात करने से ही बात बनती है, समझे राजीव जी।
20 ज्यादा है 20 क्वेश्चन तीन घंटे ले लेना तो तीन ही तो देंगे आपको। किसने कहा भाई हम दो देंगे आपको? नहीं नहीं आराम से लिखना। भाई मेरे पास खुद रात को 9:30 बजे 9:30-10 बजे पेपर इन्होंने मैसेज किया था। मैंने क्या कहा था आपने स्टार्टिंग में मैसेज किया था? तो उस टाइम तक मेरे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, फिर अचानक से मैसेज आता है सर का प्रिपेयर टेस्ट फॉर टुमारो दैट कंटेन 20 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन इक्वल वेटेज ऑफ क्वालिटी एंड इकोनॉमी। हाँ फिर बाद में मुझे कहा गया, मुझे जो मैसेज कन्वे किया गया था वो यही किया गया था। फिर मैंने टेस्ट आधे घंटे बाद सर जुडिशियरी खत्म कर देते हैं आज कर जुडिशियरी करवा देते हैं, फिर कभी जब भी आपका मन हो उस उसी क्लास में कर लेते हैं। पहले ये कर देते हैं जुडिशियरी। देखिए इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशियरी, मॉर्निंग मैम, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशियरी कि ये फेडरलिज्म का पार्ट है या नहीं है? ऑब्वियसली फेडरलिज्म का पार्ट है कि हमारी जुडिशियरी क्या है, इंडिपेंडेंट है। कैसे इंडिपेंडेंट है भाई? सेल्फ अपॉइंटेड कैंडिडेट है और सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी है। पहले एनजेएसी आया था उसको रिपील कर दिया गया, ठीक है, नेशनल जज अपॉइंटमेंट कमीशन, कि पहले कौन करेगा, लेजिस्लेचर क्या करेंगे, रिकमेंडेशन देंगे, फिर क्या होगा, जज बनेगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का। लेकिन इसको बाद में क्या किया गया भाई, हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि ये क्या हो रहा था, कहीं ना कहीं जो इंडिपेंडेंट जुडिशियरी थी उसको लेजिस्लेचर अपने अंडर लेने की कोशिश कर रहा था, पावर को ओवरराइडन करने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए क्या किया गया, अब एप्लीकेबिलिटी भी इसकी क्या है, एप्लीकेबिलिटी भी क्या है, खुद ही एप्लीकेबल करता है हर एक लॉ को, देखता है कि सही है या नहीं है, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, हायर जुडिशियरी। हायर जुडिशियरी में दोनों कोर्ट आते हैं आपका, कौन सा, सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट आपका। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात कर ले, स्ट्रक्चर क्या है, सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर होता है, उसके बाद आपका हाई कोर्ट होगा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, उसके बाद लोअर कोर्ट्स और उसके बाद ग्राम न्यायालय। अब जो लोअर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हम क्या बोल देते हैं, फैमिली कोर्ट्स बोल देते हैं। फैमिली कोर्ट क्यों बोलते हैं इनको, और केस की सबसे अच्छी सुनवाई कहां पे होती है मुझे ये बता दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में। कैसे कह सकते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट में,
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपका हर एंगल को देखता है केस के, इसीलिए बोला जाता है मोर ट्रांसपेरेंसी कहाँ होती है, आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। हाँ, सुप्रीम कोर्ट हर एक एंगल को नहीं देखता, लेकिन वो केस में डिटेल में जाता है, ऐसी बात नहीं है नहीं जाता, इसीलिए तो लोग जाते हैं। लेकिन वहां पे अगर मैं बात करूं कि क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट दोनों देखे जाते हैं, फैक्ट और लॉ दोनों देखे जाएंगे। कोई क्राइम हुआ है, मान लो कोई भी क्राइम हुआ है, वो क्राइम क्यों हुआ है, कितना इंपैक्ट पड़ा है उस क्राइम से, क्या क्या हुआ है उस क्राइम में, किस कंडीशन में वो क्राइम हुआ है, ये सारी चीजें देखे जाएंगे आपकी लोअर कोर्ट में। अब देखिए हर एक स्टेट का क्या होगा, एक हाई कोर्ट होगा, हर एक स्टेट का यूटी का हाई कोर्ट होगा, आया नहीं होगा हाई कोर्ट यूटी का, ऑलमोस्ट हर स्टेट का होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट हर स्टेट का होता है, यूटी का नहीं होता, यूटी दिल्ली है जिसका खुद का एक हाई कोर्ट है, ठीक है, यूटी का नहीं होता। अब देखिए इसकी बात करते हैं, नहीं नहीं बेंचेस क्या होती है, बेंच क्या होती है और ट्राइब्यूनल क्या होती है, बेंच क्या होती है ट्राइब्यूनल क्या होती है, ट्राइब्यूनल हम बनाते हैं 323A और 323B के अंदर ट्राइब्यूनल बनाते हैं, जैसे वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल, ये जो ट्राइब्यूनल बनाए हैं ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है, ठीक है। बेंचेस क्या होते हैं, बेंच आप सेम कोर्ट में भी हो सकती है, बेंच कोर्ट के बाहर भी हो सकती है, और बेंच कोई अपॉइंट भी कर सकता है किसी दूर गांव के लिए, मान लो जज का कोई एक जज अपॉइंट कर दिया और उसके साथ कुछ लोग अपॉइंट कर दिए, वो क्या करेंगे, वो वहां के उसको फंक्शन को देखेंगे, मान लो वो जैसे कोई गांव है, राजस्थान में गांव बहुत दूर दूर होते हैं, तो उसका फंक्शन मेंटेन करने के लिए वहां पे एक बेंच अपॉइंट कर दी कि आसपास के भाई 20 गांव का तुम वहां के 20 गांव का देखोगे, 100-150 किलोमीटर दूर है मान लो वो मेन शहर से, तो वहां पे कोई बेंच अपॉइंट कर दी, या और कोई वहां पे मैटर है तो उसके लिए कोई बेंच अपॉइंट कर दी, ठीक है, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। अब बात करते हैं कि यहां आ जाइए एक बार, कुछ था यही है क्या, कुछ था हाँ यहाँ आ जाइए, चार स्टेट का, हाँ हाई कोर्ट कौन कौन से स्टेट का है, गोवा मिजोरम नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, हाँ क्योंकि आसपास जो भी आपका हाई कोर्ट पड़ेगा आसपास के जिस भी स्टेट में होगा वहां पे उसको देखा जाएगा, आसपास जिस जिस भी जो जो भी हाई कोर्ट होगा, अंडमान क्या कह रहे हो, समझा नहीं मैं, अंडमान हाँ कोलकाता में तो बहुत सारे आते हैं आपका, ये जो है क्यों, क्योंकि वह आसपास का बड़ा फोर्ट वहीं पे, और ये आज की ही नहीं बहुत पुरानी ट्रेडिशन, अंग्रेजों के जमाने से ही। बाकी वहां पे ट्राइब्यूनल ये जो बेंचेस हैं वो बैठती हैं, हर एक स्टेट में बेंचेस बैठती हैं, इसीलिए मैंने बोला ऑलमोस्ट हर स्टेट का हाई कोर्ट होता है। ये देखिए जो आपके कुछ लीगल प्रैक्टिशनर हैं उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, किस नाम से, एडवोकेट, लॉयर, लीगल प्रोफेशनल्स, बैरिस्टर्स, सॉलिसिटर, उसके बाद अटॉर्नी, उधर प्रोसिक्यूटर, कॉलमैन,
उसके बाद एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड आपके सुप्रीम कोर्ट में जो काम करते हैं उनको बोलते हैं। अब देखिए पहला छठा और आठवां इनका मीनिंग सेम है, फर्स्ट सिक्स एंड एट। जिसके पास लॉ की डिग्री हो और वो क्या कर रहा हो, किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हो, उनको हम क्या बोलेंगे, एडवोकेट, अटॉर्नी और कॉलमैन। ठीक है, अब आती है लॉयर। लॉयर क्या है, जिसके पास डिग्री हो, जरूरी नहीं है उसने लॉ किया हो, वो प्रैक्टिस कर रहा हो नहीं कर रहा हो, डजंट मैटर, सिर्फ लॉ की डिग्री है, वो प्रैक्टिस कर ही नहीं रहा है कहीं पे भी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लॉयर बोलेंगे। लीगल प्रोफेशनल क्या होते हैं, केस भी हैंडल करेंगे, सॉरी डिग्री हो भी और ना भी हो, मुंशी सुना है, मुंशी क्या होता है, मुंशी होते हैं लीगल प्रोफेशनल, कैसे होते हैं वही तो मैं पूछ रहा हूं। मुंशी खुद जाके तारीख ले आता है, क्यों ले आता है, क्योंकि उसके पास वैलिड डिग्री नहीं है लेकिन नॉलेज है उस काम की। कोर्ट में जो कोर्ट में क्लर्क होते हैं, ठीक है, जिसको वो बोलते हैं स्टेनो बोलते हैं, जज के नीचे बैठता है वो स्टेनो, उसके पास वो क्या है, वैलिड डिग्री नहीं है लेकिन उसको लॉ सारे पता होगा, नॉलेज है, वो एक वकील से ज्यादा नॉलेज रखता होगा, एक मुंशी एक वकील से ज्यादा नॉलेज रखता होगा। जितनी धाराएं हैं वो मुंशी लगाता है भाई, क्या करे, सलाह देता है। अच्छा एक चीज बताइए, बैरिस्टर किसको बोलते हैं, बैरिस्टर किसको बोलते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी बैरिस्टर थे, एक ही यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं और एक ही एलुमनाई, जब इनकी मूर्तियां आज भी वहां पे लगी हुई हैं, एक ही बेंच के ऊपर रखी हुई है इनके स्टैचू। कहां से पढ़े हुए थे ये, साथ ही रखते हैं दोनों का, मोहम्मद अली जिन्ना का और महात्मा गांधी का। हाँ कहां से, साउथ अफ्रीका, बैरिस्टर क्यों बोला जाता है, बाहर से पढ़ के आया है, रजिस्टर्ड ऑन बार, इसीलिए बैरिस्टर बोला जाता है, बार ये बाहर के जो जो जहां पे इन्होंने पढ़ाई की है वहां पे ये रजिस्टर्ड है बार एसोसिएशन के अंदर, वहां पे बार मतलब जो वकीलों का वो चैम्बर होता है, वकील जहां पे होते हैं तो उसके अंदर ये रजिस्टर्ड है। अब अटॉर्नी जर्नल और एडवोकेट जर्नल, अटॉर्नी जर्नल आपका सेंटर में होता है और एडवोकेट जर्नल आपका स्टेट में होता है, तो सेम पोस्ट है बैरिस्टर की। नेक्स्ट आपका क्या है, सोलिसिटर, एडवाइजर, गवर्नमेंट का एडवाइजर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लीगल एडवाइजर, सोलिसिटर, अगर सेंटर में है तो वो सोलिसिटर जर्नल। ठीक है, अटॉर्नी, एडवोकेट, ऑन रिकॉर्ड बता दिया मैंने, सुप्रीम कोर्ट में जिस जो प्रैक्टिस करता है, पहले एटलीस्ट लोग क्या करते हैं लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं 2 से 3 साल के लिए, और फिर कहाँ प्रैक्टिस करते हैं, सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में मैंने उस दिन आपको बताया भी था कि भाई कई बार ऐसे ऐसे केसेस आ जाते हैं जहां पे कोर्ट के जज की हिम्मत नहीं होती वकील के सामने बोलने की, क्यों, क्योंकि उनका पेट्रियल, उनका प्रोफेशन यही है भाई, उनका धंधा यही है,
फैमिली काम यही है उनका, क्योंकि बड़े बड़े लॉयर्स की फैमिली लगी पड़ी है, ऐसे ही बड़े बड़े जजेस हैं। आप जाओगे कोर्ट में देखोगे भाई पूरे का पूरा परिवार वकील है। और सुप्रीम जो ये है ना एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, इसके एक केस की कीमत 15 लाख होती है, 15 से 16 लाख सिर्फ केस रजिस्टर्ड करने की। केस लड़ने की फीस अलग है, केस रजिस्टर करेगा 15-16 लाख में। तो ऑब्वियसली बढ़ेगी। सुप्रीम कोर्ट हाँ, सुप्रीम कोर्ट में तो सारी, और ये कोर्ट ऑन रिकॉर्ड बोला जाता है, सुप्रीम कोर्ट इज द कोर्ट ऑन रिकॉर्ड। कोर्ट ऑन रिकॉर्ड क्यों बोला जाता है, कोर्ट ऑन रिकॉर्ड क्यों बोला जाता है, हर चीज यहाँ पे लिखी जाती है, जो भी केस होगा वो रिकॉर्ड भी किया जाए। पर अभी आप एक काम करना, यूट्यूब पे भी लाइव आता है पटना का हाई कोर्ट, यूट्यूब पे लाइव रहता है, कोई भी हियरिंग होती है तो सारे केसेस उसमें लाइव चलते हैं, कभी भी जाके देख लेना। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, कोर्ट ऑन रिकॉर्ड क्यों बोला जाता है, हर चीज रिकॉर्ड होती है, हर स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है। आज आपने कुछ बोला कल कुछ और बोलोगे, सुप्रीम कोर्ट आपको लात मार के बाहर कर देगा और बोलेगा जेल में डाल दे इसको। हर केस टू केस लिखा जाता है, हर केस की वर्डिक्ट होती है कि उस केस में क्या जजमेंट आया, कितने गवाह थे, कितने बेंच थी, कौन कौन हेड कर रहा था, सारा रिकॉर्ड मिलेगा। इसीलिए आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जाइए, आपको हर केस के डेटा मिलेंगे, हर केस के डेटा मिलेंगे। हियरिंग, नेक्स्ट हियरिंग कब की है, आपको डायरी नंबर पता है तो वहां पे डायरी नंबर आप डालिए, सर्च करिए, सब कुछ आ जाएगा, कौन वकील है उसका, अपोजिशन में कौन सा वकील है और किस जज के अंडर वो केस चल रहा है, और हियरिंग कब कब हुई है और हर हियरिंग में क्या फैसला दिया गया है। दिस इज द कोर्ट ऑन रिकॉर्ड, जो जिसमें हर चीज रिकॉर्ड की जाती है। क्या लोअर कोर्ट में ऐसा होता है? फाइनल जजमेंट का रिकॉर्ड होता है, बाकी हम रिकॉर्ड नहीं करते। वो तो मिल जाता है, नॉर्मली होता है, लेकिन आप क्या करते हो वहां पे हाई कोर्ट, सॉरी जो लोकल कोर्ट्स हैं, लोकल कोर्ट में कोई लिखता नहीं है, डे टू डे एक्टिविटी केस की कोई नहीं लिखता, यहाँ सारी लिखी जाती है, इसीलिए इसको बोला जाता है कोर्ट ऑन रिकॉर्ड। ठीक है, बाकी इसको कल देखते हैं अच्छे से। देखिए पहली बात तो ये हाई कोर्ट तक, हाई कोर्ट इंक्लूडिंग हाई कोर्ट, किसी के पास पावर नहीं होती कि वो अपनी पावर को रिव्यू करे, अपनी जजमेंट को रिव्यू करे, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। नहीं दे सकते हायर कर, आप केस लेके जा सकते हो नीचे से ऊपर, लेकिन ऊपर वाले केस का रेफरेंस हाई कोर्ट लेगा, नीचे वाले का नहीं लेगा, क्योंकि हाई कोर्ट हैव मोर पावर देन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हाँ, इक्वल पावर है हाई कोर्ट में, मान लो किसी भी स्टेट का आप रेफरेंस दे सकते हो, सर उस केस में उस स्टेट ने ये वर्डिक्ट दी थी, ये है आपके सामने, वहां से रेफरेंस ले सकते हो। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तो कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी ना, क्योंकि पावर डिफरेंसेस आ जाता है। ठीक है, बाकी कल करते, तब तक आप करिए भाई रिवाइज करिए, तब से बोले जा रहे थे कि रिवाइज करना है, कर लीजिए रिवाइज।
मैंने पहले भी कहा है कि खुद अपना रिवाइज करते रहिए टाइम टू टाइम, सारा टाइम टू टाइम, पर आप मानते नहीं हो।